लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑफ एक्सरसाइज सेवन ए दैट इज ट्रा क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज इन अ ट्रायंगल ए बी सी ए बी सी ट्राइंगल में ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ए डी है एंगल ए का जब भी कोई भी लाइन किसी भी एंगल की बाइसेक्टर होती है तो दोनों पार्ट इक्वल होते हैं मतलब ये एंगल जो बना है बायसेक्टर के थ्रू वो इस एंगल के इक्वल है अब फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है फ ए बी सिक्स पॉइंट फोर सेंटीमीटर अगर ए बी सिक्स पॉइंट फोर सेंटीमीटर है ए सी एट सेंटीमीटर है और बी डी फाइव पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर है तो हमें डी सी निकालनी है तो कैसे करेंगे देखिए फर्स्ट पार्ट में हम अपनी सारी वैल्यूज लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट में हमें ए बी दे रखा है सिक्स पॉइंट फोर सेंटीमीटर और ए सी दे रखा है एट सेंटीमीटर ए सी हो गया एट सेंटीमीटर एंड बी डी दे रखा है फाइव पॉइंट सिक्स बी डी है हमारा फाइव पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर एंड डी सी निकालना है हमें और डी सी निकालना है तो कैसे निकालेंगे देखिए यहाँ पे ए डी क्या कर रही है एंगल ए को बाइसेक कर रही है तो हम क्या लिखेंगे एज़ ए डी बाइसेकट एंगल ए तो यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगेंगी जब भी कोई भी लाइन किसी भी एंगल को बाइसेक करती है दैट इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगेगी यहाँ पे तो देन एकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू एंगल बाई थ्योरम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कि जो इंटरनल बाइसेक्टर है किसी भी एंगल का ट्राइंगल के वो जो इंटरनल बाइसेक्टर है वो ऑपोजिट साइड को डिवाइड करता है इंटरनली जो ये एंगल्स हैं उनकी साइड जो कंटेन कर रहे हैं बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आएगी इक्वेशन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है बी डी अपॉन डी सी देखिए बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी ये होती है हमारी बाइसेक्टर थ्योरम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो बी डी कितना है 5.6 सेंटीमीटर डी सी हमें निकालना है ए बी कितना है 6.4 और ए सी कितना है 8 इस तरीके वैल्यूज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो 6.4 की मल्टीप्लाई डीसी में इक्वल्स टू 5.6 एनटू एट राइट तो डीसी कितना आ गया 5.6 एनटू एट अपॉन 6.4 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया अब 8 एट्स अ 64 8 वन जा एट राइट अब 8 वन जा एट 8 सेवेंस अ 56 तो डीसी कितना आ गया

आगे क्या कह रहा है बी सी इक्वल्स टू सिक्स सेंटीमीटर और हमें बी डी और डी सी निकालना है तो बी सी इक्वल्स टू सिक्स सेंटीमीटर और हमें क्या निकालना है बी डी एंड डी सी निकालना है तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं तो देखिए ए बी दे रखा है ए सी दे रखा है बी सी पूरा दे रखा है अब हमें बी डी और डी सी निकालना है बी डी और डीसी निकालना है तो कैसे करेंगे देखिए देखिए यहां पे ना तो बी डी दिया हुआ है ना डी सी दिया हुआ है एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर देखें हम देखिए यहां पे क्या है एंगल बाइसेक्ट किया हुआ है तो एज ए डी एंगल ए एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है सो अकॉर्डिंग टू कॉर्डिंग टू एंगल बाइसे थ्योरम एंगल बाइसे थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा बी डी अपॉन डी सी इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी आएगा राइट right? अब ना बी डी दिया हुआ है ना डी सी दिया हुआ है लेट कर लेते हैं लेट बी डी को हमने बी x सेंटीमीटर मान लिया तो हमारा DC कितना आ जाएगा देखिए BC किसको मिला के बनाए बी डी प्लस डी को बना के अब BC सी इन्होंने हमें सिक्स सेंटीमीटर दिया हुआ है ये देखिए ये दे रखा अब BD हमने x माना है तो DC कितना आ गया DC आ गया हमारा सिक्स माइनस एक्स सेंटीमीटर आ गया राइट अब वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें तो बी डी था x और डी सी था सिक्स माइनस एक्स तो x अपॉन सिक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू ए बी कितना है टेन और ए सी है फोर्टीन तो टेन अपॉन फोर्टीन अब क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया फोर्टीन इंटू एक्स इक्वल्स टू टेन इंटू सिक्स माइनस एक्स तो ये आ गया फोर्टीन एक्स क्ल्स टू सिक्सटी माइनस टेन एक्स अब एक्स की वैल्यूज एक साइड तो फोर्टीन एक्स में प्लस हो गया टेन एक्स इक्वल तो यह आ गया ट्वेंटी फोर एक्स इक्वल तो एक्स कितना आ गया सिक्सटी अपॉन ट्वेंटी फोर टर्ट एस सिक्स वन जो सिक्स जीरो सिक्स फोर ज ट्वेंटी फोर टू टू जो फोर टू फाइव जन फाइव अपॉन टू कहें या टू पॉइंट फाइव कहें बात एक ही है बी डी कित हमने एक्स माना था तो बी डी कितना आ गया टू x x सेंटीमीटर और डी सी कितना आ देखिए 0.5 माइनस एक्स एक्स थ्री टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इज द आंसर लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड पार्ट में कह रहा है ए बी है 5.6 सेंटीमीटर देखिए ए बी है 5.6 सेंटीमीटर बी डी है थ्री पॉइंट टू बी सी है सिक्स और हमें ए सी निकालनी है तो चलिए करते हैं थर्ड पार्ट में कह रहा है ए बी है हमारा फाइव पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर बी डी है हमारा थ्री पॉइंट टू सेंटीमीटर नेक्स्ट क्या दिया हुआ था बी सी है सिक्स सेंटीमीटर और हमें ए सी निकालना है बी सी है हमारा सिक्स सेंटीमीटर और हमें ए सी निकालना है तो एंगल बाइसेक्टर हो रहा है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगेगी राइट एज ए डी एंगल ए सो एकॉर्डिंग टू एंगल बायसेक्टर थ्योरम एंगल बायसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या बनेगा बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी अब हमें बी डी दिया हुआ है लेकिन डी सी नहीं दिया हुआ तो डी सी कैसे निकालेंगे देखिए साइड में निकाल ली बी सी किस किस को मिला के बनेगा बी डी देखिए अगर आप देखेंगे बी सी किस किस को मिला के बनेगा बी डी प्लस डी सी राइट तो प्लस डी सी तो बी सी कितना आ गया बी सी है हमारा सिक्स सेंटीमीटर बी डी है हमारा थ्री पॉइंट टू सेंटीमीटर और डी सी कितना है हमारा हमें निकालना है तो डी सी कितना आ गया सिक्स में से हमने थ्री पॉइंट टू माइनस किया तो डी सी कितना आ गया पॉइंट एट एंड टू टू पॉइंट एट सेंटीमीटर अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं बी डी हमारा था थ्री सेंटीमीटर डी सी आया टू ए बी हमारा था 5.6 और ए सी हमें निकालना था अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया 3.2 पॉइंट टू इंटू ए सी इज इक्वल्स टू फाइव पॉइंट सिक्स इंटू टू पॉइंट एट तो हमारा ए सी कितना आ गया दैट इज 5.6 पॉइंट सिक्स इंटू टू पॉइंट एट अपॉन थ्री पॉइंट टू पॉइंट से पॉइंट हुआ ये पॉइंट हटाया तो नीचे एक जीरो लग गई अब फोर सेवनज़ा ट्वेंटी एट फोर एट 8 थर्टी टू एट वन 56. एट फिफ्टी सिक्स तो ये कितना आ गया फोर्टी नाइन अपॉन टेन और वी कैन से दैट फोर पॉइंट नाइन सेंटीमीटर इज द आंसर लेट्स डू फोर्थ पार्ट नाउ फोर्थ पार्ट कह रहा है ए बी अगर फाइव पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर है ए सी अगर फोर सेंटीमीटर ए बी फाइव पॉइंट सिक्स ए सी फोर सेंटीमीटर और डी सी थ्री तो हमें बी सी निकालनी है तो चलिए करते हैं फोर्थ पार्ट में कह रहा है ए बी अगर 5.6 सेंटीमीटर है ए सी अगर 4 सेंटीमीटर है एंड डी सी अगर 3 सेंटीमीटर है तो हमें बी सी निकालनी है तो एज़ हमें पता है ए डी ने बाइसेक बाइसेकट एंगल ए

ए सी दे रखा है और डी सी दे रखा है अब हमें बी सी निकालना है तो पहले हम बी डी निकाल लेंगे तो बी सी निकल जाएगा तो हम बी डी कैसे निकालेंगे देखिए बी डी की जगह बी डी रखा डी सी कितना है थ्री ए बी कितना है फाइव पॉइंट सिक्स और ए सी कितना है फोर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कितना है फोर इंटू बी डी इज़ इक्वल्स टू फाइव पॉइंट सिक्स इंटू थ्री तो बी डी कितना आ गया दैट इज फाइव पॉइंट सिक्स इंटू थ्री अपॉन फोर तो पॉइंट गया एक जीरो नीचे आ गई अब थ्री फोर वन ज फोर फोर वन जो फोर जो सिक्सटीन तो ये कितना आ गया फोर्टीन थ्री ज इज फोर्टी टू अपॉन टेन और वी कैन से दैट फोर पॉइंट टू राइट सेंटीमीटर आ गया बी डी अब साइड में कर रही हूँ देखिए हमें बी सी निकालना है यहाँ क्वेश्चन में लिखा है बी सी निकालना है तो बी सी किस किस को मिला के बनेगा अगर आप यहाँ देखेंगे तो बी डी प्लस डी सी तो मैंने लिख दिया यहाँ पे बी डी प्लस डी सी को मिला के बन रहा है तो बी डी कितना है 4.2 सेंटीमीटर और डी सी कितना है हमारा दैट इज 3 सेंटीमीटर तो कितना आ गया बी सी आ गया 7.2 सेंटीमीटर इज द आंसर